जो भी आया वो वही का हो गया, यही का हो गया। चना चबेना गंग जल जो पुरवै करतार, काशी कबो न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। भूमिलाहिनी महाशया तैलंग स्वामी श्री विशुद्धानंद सरस्वती जैसे सिद्ध संतों की विहार भूमि काशी पाप विनाशी। अध्यक्षता करने महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिधि सहस्रपुत्र जी एवं विशेष अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री मेरे बड़े डॉक्टर विश्वनाथ द्विवेदी। आज आपको राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया, मेडल दिया गया, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल ही हर्ष और उल्लास के लिए हमारे लिए है, बहुत ही बड़ी चीज़ है ये हमारे लिए, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और स्वर्ण पदक मिलना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है जो मुझे प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही खुश हूँ इसके लिए और मैं इसका आदर्श अपने पिता को मानता हूँ, पद्म भूषण देवी प्रसाद द्विवेदी, जो इसी विश्वविद्यालय से पढ़े और स्वर्ण पदक धारक हैं भी, और उन्हीं को आदर्श मानते हुए मैंने भी प्रयास किया और बाबा विश्वनाथ की कृपा से मुझे यह सफलता प्राप्त हो सकी। मैडम, आज आपको स्वर्ण पदक मिला, इसको कितना खुशी है आपको? बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है, मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। और यह मेरे गुरुजी के आशीर्वाद, उनके प्रेरणा, उनके सहयोग और माता पिता के जो है मेरे बहुत ही जो है प्रेरणा से मुझे प्रदान हुआ है। आज राज्यपाल जी आई हैं, राज्यपाल जी ने आप लोगों को सम्मानित किया स्टेज पर बुला करके, इसके वजह में आप अपने यूनिवर्सिटी को क्या कहेंगे? जो है बहुत बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ, मेरे जो है निरंतर मेहनत और परिश्रम का जो भी फल है मुझे आज इस रूप में प्राप्त हुआ और एक राज्यपाल के द्वारा और कुलपति और गुरुजनों के सामने मुझे सम्मानित किया गया, इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत जो है अपने संस्था, अपनी यूनिवर्सिटी और मैं जो जिस भी संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हूँ उसके लिए मैं बहुत ही जो है अपने आप को कृतार्थ मानती हूँ। मैं रोहित रंजन तिवारी, सूर्य छात्र, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, व्याकरण विषय से। आज आपके संस्कृत निष्ठी में राज्यपाल द्वारा जो आप लोगों को सम्मानित किया है, इसके विषय में क्या कहेंगे? जी, ये बहुत गौरव का विषय था। विगत 10 वर्षों से हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्री किया, आचार्य किया, इसके बाद जो है हम लोगों ने PhD की डिग्री उपाधि आज प्राप्त किया है। हम सोचते हैं कि हमारी संस्कृति का जो है संरक्षण संवर्धन किस प्रकार हो, इसको नए नए आयामों से डिजिटल माध्यमों के द्वारा संस्कृत का संवर्धन करना हमारा ही सर्वप्रथम कार्य है और एक व्यक्ति से लेकर के अंतिम व्यक्ति तक इसका जो है एक एक शब्द, एक एक अक्षर लोगों तक तो पहुंचाया जाए, इसके द्वारा नए नए रिसर्च के द्वारा, नए नए आयामों के द्वारा। यही मैं कहना चाहूँगा कि संस्कृति में जीवनम स्यात्, मेरा ये जीवन जो है संस्कृति के लिए होना चाहिए। अस्तु, धन्यवाद। मेरा नाम कुलदीप है, मेरा ये अच्छा विषय है कि मुझे इतने प्रयास के बाद बाबा विश्वनाथ और हमारे गुरुदेव और हमारे मार्गदर्शक के द्वारा ये मुझे प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूँ कि आगामी शिक्षा के क्षेत्र में अपने राष्ट्र समाज के लिए बेहतर सुधार करेंगे, बेहतर राष्ट्र को अपना प्रयास करेंगे, इतना कहकर।